शहरी से अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कैंट कचहरी की अदालत में पेशी पर आए दो फरीकैन सुबह सवेरे झगड़े में मुब्तला हो गए। कैंट कचहरी की अदालत में फ्रॉड और कब्जा करने की कोशिश केस के मुदई और मुलजमान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके हाथ जो आया एक दूसरे को दे मारा। एक आम खबर से आगाह करते चलें, आपको बताएं, कैंट कचहरी की अदालत में पेशी पर आए दो फरीकैन सुबह सवेरे ही लड़ पड़े। कैंट कचहरी की अदालत में फ्रॉड और कब्जा करने की कोशिश केस के हवाले से मुदई ने आपको मजीद बताएं, मुलजमान और मुदई आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया, जिसके हाथ जो आया एक दूसरे को दे मारा। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, कैंट कचहरी की अदालत में पेशी पर आए दो फरीकैन सुबह सवेरे आपस में लड़ पड़े। कैंट कचहरी की अदालत में फ्रॉड और कब्जा करने की कोशिश केस के मुदई और मुलजमान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। आपको बताएं कि लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया, जिसके हाथ जो आया एक दूसरे को दे मारा। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर रंग की स्क्रीन पर आप मनाजिर भी देख सकते हैं, कैंट कचहरी के मनाजिर हैं, जहां अदालत में पेशी पर आए दो फरीकैन सुबह सवेरे आपस में झगड़ पड़े। आपको बताएं, कैंट कचहरी की अदालत में फ्रॉड और कब्जा करने की कोशिश केस के मदई और मुलजमान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया, जिसके हाथ जो आया एक दूसरे को दे मारा। कैंट कचहरी से अहम खबर से आगाह करते चलें, आपको बताएं, कैंट कचहरी की अदालत में पेशी पर आए दो फरीकैन सुबह सवेरे झगड़ पड़े। कैंट कचहरी की अदालत में फ्रॉड और कब्जा करने की कोशिश केस के मुदई और मुलजमान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया, जिसके हाथ में जो आया एक दूसरे को दे मारा। एक अहम खबर से आगाह करते चलें, आपको बताएं, कैंट कचहरी की अदालत में पेशी पर आए दो फरीकैन सुबह सवेरे झगड़ पड़े। कैंट कचहरी की अदालत में फ्रॉड और कब्जा करने की कोशिश केस के मुदई और मुलजमान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया, जिसके हाथ में जो आया एक दूसरे को दे मारा। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, कैंट कचहरी की अदालत में पेशी पर आए दो फरीकैन सुबह सवेरे ही आपस में लड़ पड़े। और अब कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने नैब इंक्वायरी बंद करवाने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। मुतफरिक दरख्वास्त अलीम खान ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक की विसातत से दायर की है। दरख्वास्त गुजार का मौकफ है कि नैब विजन डेवलपर्स के खिलाफ तीन मरतबा इंक्वायरी करके बंद कर चुका है। अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने नैब इंक्वायरी बंद करवाने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर रंग उमर हयात जी। उमर, इस हवाले से तफसील आगाह कीजिए। जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अलीम खान है, उन्होंने तवसुब से नैब की जानब से जारी जो एक इंक्वायरी है वो बंद करवाने के लिए दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त ये मुतफरिक दरख्वास्त है, इसमें दरख्वास्त गुजार की जानब से मौके इख्तियार किया गया कि उसकी कंपनी नैब विजन डेवलपर्स के खिलाफ नैब जो वो तीन मरतबा इंक्वायरी कर चुका है, और फिर उन इंक्वायरी को मुकम्मल करने के बाद वो दोबारा बंद कर चुका है इंक्वायरी। बहुत शुक्रिया उमर हयात तफसीलात से आगाह करने के लिए।